हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग वर्कशीट्स फॉर द प्री नर्सरी किड्स, जो कि बच्चे के थिंकिंग एंड फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी, उनके फोकस को बिल्ड करेंगी एंड उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेंगी। अलॉन्ग विद दैट, ये जो वर्कशीट्स है वो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इनकलकेट करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्कशीट इज सर्कल द फ्रूट्स। इसमें बच्चे को फ्रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी ड्रॉ किए गए हैं। तो फ्रूट्स आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चे को उस पर इस तरह से सर्कल करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज वाटरमेलन, दिस इज फ्रूट। सो ब्रिंजल, इज दिस अ फ्रूट? नो, दिस इज अ वेजिटेबल। चेरी, इज दिस अ फ्रूट? यस। इसलिए इसको सर्कल करना है। ओके, कैरेट, इज दिस अ फ्रूट? नो, इट्स अ वेजिटेबल। जस्ट लाइक दैट, फिर बच्चा एप्पल को सर्कल करेगा। इन द सेम वे, मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो को सर्कल करेंगे। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को सर्कल करेंगे। पोटैटो इज अ वेजिटेबल एंड बनाना इज अ फ्रूट। इसलिए द लाइन्स, इसमें बच्चों को लाइन्स को ट्रेस करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज स्लीपिंग लाइन, बच्चे को इस तरह से ट्रेस करना है। एंड दीज आर स्लैंटिंग लाइन्स, सो बच्चों को इस तरह से स्लैंटिंग लाइन ट्रेस करते जाना है। आप बच्चे को बोलें कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े इस तरह से। इन द सेम वे, दीज आर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अगेन स्टैंडिंग लाइन। नाउ इस बॉल को इस बैट के पास जाना है, सो वी नीड टू ड्रॉ द स्लीपिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड अगेन दिस स्लीपिंग लाइन। ट्रेसिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है हैंड राइटिंग प्रोसेस में। मैच विथ सेंसेस, इसमें बच्चे को फॉर एग्जाम्पल आइस से हम क्या करते हैं, वी सी विथ आइस, सो इसको मैच करना है हमें सीनरी के साथ। व्हाट डू वी डू विथ अवर टंग? टेस्ट करते हैं। तो व्हाट वी टेस्ट हियर इज आइसक्रीम। ईयर्स, इससे हम हियर करते हैं, सुनते हैं, सो इसको बेल के साथ मैच करेंगे। नोज, वी स्मेल विथ अवर नोज, तो हम क्या स्मेल करते हैं? बहुत सारी चीजें स्मेल करते हैं, बट यहां पर एक फ्लावर ड्रॉ किया गया है, इसीलिए फ्लावर के साथ मैच करेंगे। इन द सेम वे, दिस इज हैंड, बट आपको बच्चे को यह समझाना है कि दिस इज स्किन, वी कैन फील, वी कैन टच विद द स्किन, सो हियर इज वन टेडी बियर, तो आपको उसको टेडी बियर के साथ मैच कराना है जो कि सॉफ्ट फील देता है। आवर नेक्स्ट वर्कशीट इज मैच द थिंग्स टू देयर शैडोज। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, थिंकिंग स्किल है, वो इंप्रूव होगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहां आइसक्रीम बनी हुई है, तो इसकी शेडो के साथ इसे मैच करना है। दिस इज बलून, तो इसकी शेडो के साथ इसको मैच करना है। दिस इज द पेंसिल, इसको पेंसिल की शेडो के साथ मैच। आवर नेक्स्ट वर्कशीट इज कनेक्ट द शेप्स विथ अ लाइन। यहां शेप्स ड्रॉ की गई है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन ओवल, तो ओवल को ओवल शेप के साथ मैच करना है। इससे बच्चे की जो आइडेंटिफिकेशन है शेप्स की, उसको एक री इन्फोर्समेंट मिलेगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओवल को ओवल के साथ मैच करेंगे। दिस इज ट्राइंगल, तो इसको ट्राइंगल के साथ मैच करेंगे। इन द सेम वे, डायमंड, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड दिस इज हार्ट शेप। वर्कशीट इज
गिव फिंगरप्रिंट टू द लेटर सी एंड सर्कल ऑल द सीज बिलो। बच्चे को पहले सी लेटर को फिंगरप्रिंट इंप्रेशन देना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से पेंट बच्चा फिंगर पे लेगा और इस तरह से उसको इंप्रेशन देना है। इससे क्या होगा कि बच्चा पहले से लेटर को आइडेंटिफाई कर लेगा और जब वो अपनी फिंगर इसके ऊपर रन ओवर करेगा तो उसको उसकी पैटर्न समझ आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज सर्कल ऑल द सीज गिवन हियर। बच्चे को यहां सारे सी को सर्कल करना है। हियर इज आर सी, सो सी क्यू सी। इन दिस वर्कशीट चाइल्ड नीड्स टू मैच द थिंग्स विच गेट अलोंग। जिस चीजों के पेयर्स बनते हैं उनको मैचिंग करना है। इससे बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं वो इनकलकेट होंगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लॉक गोज विद द की। बच्चा एक बार रिकॉल करेगा कि हमारे घर में जो लॉक है वो उसके साथ कौन सी चीज जाती है। तो एंड द शूज गोज विद द सॉक्स। सर्कल द ऑड थिंग इन ईच रो। इस वर्कशीट में बच्चे को यहां पैटर्न्स देखने हैं कि कौन कौन सी पिक्चर्स बनी है, कौन से पैटर्न्स बने हैं, और जो डिफरेंट पैटर्न है, जो अलग है, उसको सर्कल करना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंगल, ट्राइंगल स्क्वायर एंड देन अगेन ट्राइंगल। तो बच्चा ये चीज नोटिस करेगा कि दो ट्राइंगल है, यहां भी ट्राइंगल है, तो ये डिफरेंट है, ऑड वन है। तो आपको ऐसे गाइड करना है कि सर्कल दिस। इन द साइड अगेन काइट एंड दिस इज बलून। तो ये तीनों सेम हो गए एंड ऑड कौन सा हो गया, डिफरेंट कौन सा हो गया, बलून। सो इसको सर्कल करना है। इट इज जॉइन द नंबर्स यूजिंग क्रेयॉन्स एंड कलर द पिक्चर। इसमें बच्चे को नंबर्स जॉइन करने हैं। ये वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगेजिंग होती है बच्चों के लिए। बच्चा एंजॉय करता है एंड साथ ही साथ जैसे 1, 2, 3 बच्चा इसको आइडेंटिफाई करता जाता है, साथ साथ पढ़ते जाता है। देन आप बच्चे को बोले कि इसमें कलर्स फिल करो। कलर्स फिल करते हैं, कलरिंग करते हैं, तो वो कलर्स के साथ प्ले करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। इसमें हियर आर 3 डॉट्स, सो इट नीड्स टू बी मैच विद द 3, 1, 2, 3, 4। इनिशियली जब बच्चे 2.5 के होते हैं तो 1 to 10 की काउंटिंग इज इनफ फॉर देम। इस वर्कशीट में बच्चा ये देखेगा कि दिस इज नंबर 1, ये लिखा हुआ है नंबर 1। तो बच्चा इसको आइडेंटिफाई करेगा और पिक्चर देखेगा तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो और भी क्लियर हो जाएगी कि देयर इज 1 पिक्चर, तो ये नंबर 1 है। कलर ऑल द वंस। पेरेंट्स आप बच्चों को गाइड करें कि इस 1 को यहां जो ड्रॉ किया गया है उस 1 को हमें कलर करना है, जस्ट लाइक दिस। इससे बच्चे की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर होगी। 1 साथ कलरिंग करते जाए, 1 की आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर हो जाएगी ग्रेजुअली। मैच द सेम कलर काइट्स। इसमें बच्चा सेम कलर काइट को मैच करेगा। इससे बच्चे की जो कलर्स की आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर होगी। पिंक नीड्स टू मैच विद द पिंक। बच्चा सेम की कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। सो डियर पेरेंट्स, आप इन वर्कशीट्स को जरूर ट्राई करें। इट विल इम्पार्ट रियल लर्निंग टू योर चिल्ड्रन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।